नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आपको बता दें, इस बार बीसलपुर में जो है वो अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इस वक्त हम नगर पालिका के उसी बुलडोजर पर सवार हैं जिस बुलडोजर की वजह से इस बार सत्ता में उत्तर प्रदेश सरकार आई थी। आपको बता दें, बुलडोजर की बात की जाए तो बुलडोजर जो इस बार क्रेज में आ गया था और बुलडोजर के कारण ही उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार आई थी, लेकिन यही बुलडोजर जब शहर में चल रहा है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है तो इसके लेकर जो तस्वीरें हैं वो खास हो जाती हैं। इस वक्त हम आप देख सकते हैं बीसलपुर के मुख्य बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। हम पीछे दिखाना चाहेंगे, कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि पीछे दिखाइए किस तरह से अभियान चल रहा है और लगातार जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो लोगों का जो सड़कों पर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, वहीं बुलडोजर भी पालिका का जो है वो साथ में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों में, व्यापारियों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। बता दें, आज दूसरे दिन नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज दूसरे दिन शहर की मुख्य बाजार की ओर बाबा का बुलडोजर बढ़ रहा है और लगातार जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई है उसको जारी रखा गया है। आपको बता दें, शहर में यदि यहाँ पर बात की जाए तो SDM ऋषिकांत राजवंशी और क्षेत्र अधिकारी मनोज कुमार यादव, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार और यदि अधिशासी अधिकारी की बात की जाए तो देवेंद्र कुमार सहित नगर पालिका की जो तमाम टीमें हैं वो मौजूद हैं और लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आप लगातार तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है और तोड़ फोड़ की कार्रवाई। मैं कैमरा सहयोगी से चाहूंगा एक बार इधर की तस्वीरें दिखाएं और देखा जाए कि किस तरह से जो है वो अभियान जारी है, किस तरह से की कार्रवाइयां हो रही हैं और नगर पालिका इस वक्त किस मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया 3 दिवसीय ये प्रोग्राम शहर में लगातार चलाया जाएगा। इस वक्त हम उसी बुलडोजर पर मौजूद हैं जिस बुलडोजर की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता में आई थी। आपको बता दें, लगातार बुलडोजर का कहर जो था वो जारी रहा है और अब ये बुलडोजर जो है अवैध अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध चल रहा है। हालांकि जैसा कि बाबा ने कहा था कि हमारे 2 बुलडोजर है, एक विकास का बुलडोजर, एक विनाश का बुलडोजर। जो लोग गलत काम करेंगे उनके लिए विनाश वाला बुलडोजर चलेगा और जो लोग अच्छे काम करेंगे शहर उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के लिए, विकास का बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम लगातार यूपी अपडेट पर आपको दिखा रहे थे। हम चाहेंगे एक बार कैमरा सहयोगी से कि पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो पुलिस महकमा है वो मौजूद है, किस तरह से नगर पालिका की टीम यहाँ पर मौजूद है और किस तरह मुख्य बाजार में अतिक्रमण चलाया जा रहा है। 4 पहिया वाहन की बात की जाए तो 4 पहिया वाहन यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज ये पूरा बाबा का बुलडोजर पूरे बाजार में पहुंच रहा है। ये तस्वीरें यूपी अपडेट से हम दिखा रहे हैं आपको। आपको बता दें, बीसलपुर की यदि बात की जाए तो चारों तरफ जो है वो अतिक्रमण का कहर जारी है और अतिक्रमण की वजह से लगातार इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती थी, शहर में जगह जगह जाम का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जो है वो प्रशासनिक अमला इस कार्रवाई पर है। देखिए, आप बुलडोजर कुछ ही देर में बुलडोजर चलेगा, कहीं पर ये तस्वीर है हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो बुलडोजर है वो चल रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अब आपको देखने को मिलेगी किस तरह से बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता है। ये तस्वीरें अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, बुलडोजर की कार्रवाई बीसलपुर में किस तरह से होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, लगातार बाबा के बुलडोजर को बड़ी ही पावर के साथ, स्पीड के साथ यहाँ पर बुलाया जा रहा है और तस्वीरें इस वक्त यूपी अपडेट से देख रहे हैं आप। हालांकि प्रशासनिक अमला जो है उसके चेहरे पर काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमले का दावा है कि प्रशासन नगर पालिका जो है वो शहर से इस बार शहर को अतिक्रमण मुक्त कर देगी, लेकिन देखना ये होगा कि अतिक्रमण अभियान के बाद इस पर कितनी नजर रखी जाती है, अतिक्रमण अभियान के बाद सरकारी जो दावे हैं उन पर कितना काम किया जाता है। ये तमाम तस्वीरें देखेंगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं बुलडोजर की मांग बढ़ रही है, आगे अधिकारी चाह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो बुलडोजर है वो उनके पास तक पहुंचे और लगातार जो कार्रवाई है वो होती रहे। आप तस्वीरों को देख रहे हैं इस वक्त यूपी अपडेट से, क्योंकि यूपी अपडेट ही है आपके शहर में जो सच दिखाने का और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का काम करता है। आप देखिए, इस वक्त नगर पालिका के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण पर कार्रवाई का अभियान जो चल रहा है, यहाँ पर अब कुछ ही देर में अतिक्रमण की तोड़फोड़ भी जारी रहेगी। आप तस्वीरों को देखते रहिए। आप देखिए किस तरह से इस वक्त शहर में बाबा का बुलडोजर जो है वो हड़कंप मचा रहा है और किस तरह से जो है वो कार्रवाई का दौर शुरू है। आपको बता दें, बीसलपुर की जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, बीसलपुर में किस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान आज दूसरे दिन जारी है। शहर की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या सवाल बनता है, क्या अब इसके बाद अतिक्रमण शहर में हट पाएगा?
क्या आगे से अतिक्रमण नहीं होगा, ये तमाम सवाल जो है वो भी हमारे बने रहेंगे। देखना ये भी होगा क्या अतिक्रमणकारियों पर जो कार्रवाई है वो बनी रहेगी। हालांकि आला अफसरों का क्या दावा है, पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से जो है वो अवैध जो डिप है लोगों पालिका का आरोप है उसको तोड़फोड़ हो रहा है। हालांकि इस कार्रवाई से अब व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है, गुस्सा भी देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जो नगर पालिका है वो कहीं कहीं पर अपनी मनमानी भी दिखा दे रही है, लेकिन नगर पालिका के जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण अभियान है इसको चलाना शहर में इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जो जिस तरह की कार्रवाई जो होती है, क्योंकि अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में स्थिति हो जाती है कि शहर के मुख्य बाजारों में जाना मुश्किल हो जाता है, शहर की मुख्य बाजारों में तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। हालांकि नगर पालिका भी कहीं कहीं पर अपने लापरवाही के कई आईने हमको दिखाती है। हम अगर बात करें नगर पालिका की तो नगर पालिका कई जगह चीजों को कब्जा में करने के लिए बहुत उत्सुक रहती है, बजाय जिस चीज को बता देने से कि हट जाएगी उस चीज को बताने की बजाय चीजों को कब्जे में करने में काफी उत्सुकता भी दिखाई देती है नगर पालिका की। लेकिन इसके साथ ही यदि अवैध अतिक्रमण पर बात की जाए, एक तरफ नगर निकाय के चुनाव है, दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई है, कहां तक जो है चुनाव में फर्क डालेगी इस पर भी बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए जो पहले व्यापारियों से बात की गई थी, शहर में अनाउंसमेंट करवाया गया था और ये भी कहा गया था कि अपने आप अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटा दी गई। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जो लोगों के आगे त्रिपाल लगे थे, तंबू लगे थे, उनको तो व्यापारियों के द्वारा हटा ही लिया गया, लेकिन जो पक्का अतिक्रमण था उसको पर कार्रवाई के लिए अब जो प्रशासनिक अमला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो जारी है। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम बीसलपुर से आपको लाइव दिखा रहे थे और बीसलपुर में यदि बात की जाए तो पीछे जो आज अधिकारी है वो सीओ, उपजिला अधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, थाना अध्यक्ष, नगर पालिका की टीम, नगर पालिका के तमाम अफसर वो मौजूद हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें नगर पालिका का ये जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं लोगों में इस वक्त दहशत पैदा कर रहा है। यदि नगर पालिका के बुलडोजर की बात की जाए तो जिधर से भी पूरा बुलडोजर गुजर रहा है उधर से आप तस्वीरें आप देख सकते होंगे, इस वक्त जाम का शहर के बीचों बीच में माहौल है। और हालांकि नगर पालिका का ये भी कहना है कि ये जो तस्वीर है शहर को साफ और स्वच्छ बनाने का जो दावा है उसको हम करेंगे, अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे। इस वक्त हम आप देख सकते हैं मुख्य बाजार में मौजूद हैं जहां से आपको पैदल गुजरना मुश्किल हो रहा होगा, आज वहां से स्वयं बुलडोजर गुजर रहा है। कहीं ना कहीं जगह बनी है कहीं देखा जाए तो। हालांकि प्रशासनिक अमला जो है वो आगे आगे चल रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है उसको भी हम दिखाएंगे। और ये तमाम जो तस्वीरें थी इनको हमने यूपी अपडेट पर दिखाने का काम किया, क्योंकि आपको बता दें बीसलपुर की यदि बात की जाती है तो बीसलपुर में अतिक्रमण चारों तरफ बाजारों में बहुत तीव्र देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि इस अतिक्रमण को हटाकर इस पर कार्रवाई की बात की जाए तो इस पर भी कई बार सवाल उठने चाहिए कि आखिरकार जो अतिक्रमण हटता है उसके बाद में उस पर क्या कार्रवाई होती है, आखिरकार जो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद कितनी दिक्कतें व्यापारियों को महसूस हो रही हैं, आखिर अतिक्रमण हटने के बाद क्या वाकई अतिक्रमण शहर में अतिक्रमण मुक्त शहर बनेगा, ये तमाम चीजें हैं या सिर्फ अभियान के तहत ही फोटो और वीडियो बनाकर पालिका शांत हो जाएगी, ये सवाल हमारे बने रहेंगे कि आखिरकार जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उस पर क्या कार्रवाई होती है। ये तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, बुलडोजर काफी तीव्र गति से इस वक्त शहर के छोटे चौराहे पर पहुंच चुका है और ये जो कार्रवाई का दौर है इस वक्त बीसलपुर में जो है वो लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हमने आपको यूपी अपडेट पर दिखाई कि किस तरह से कार्रवाई हो रही थी। ये वही गली है, निकलना मुश्किल हो जाता था, ये वही गलियां हैं जहां पर पैदल निकलना मुश्किल हो जाता था। आगे जा रहा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नगर पालिका की कार्रवाई ही है जिससे जो लगातार सीधे तौर पर हो रही है। आगे भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आगे आप देख सकते हैं इस वक्त हम कैमरा सहयोग चाहेंगे अब आगे दिखाएं कि किस तरह की जो कार्रवाई चल रही है और तमाम जो तोड़फोड़ का अभियान है वो जारी है। लोगों को पक्का अतिक्रमण, स्थायी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से ये अतिक्रमण हट जाए इसको लेकर कार्रवाई भी के भी निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चाहेंगे कैमरा सहयोगी से कि तस्वीरें दिखाएं किस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और किस तरह से अतिक्रमण अभियान पर नगर पालिका की जो टीम है उसकी कार्रवाई जो है वो चल रही है। क्या इसी तरह से अतिक्रमण हटेगा, क्या अतिक्रमण मुक्त शहर बनेगा, ये तमाम सवाल हमारे रहेंगे। अभी अधिकारियों से भी हमारी बात होगी, क्या अतिक्रमण हटाने को लेकर जो पहल जारी है चलती रहेगी, क्या वास्तव में शहर अतिक्रमण मुक्त रहेगा, ये तमाम जो सवाल हैं ये भी अभी अधिकारियों से यहाँ पर पूछे जाएंगे या सिर्फ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलकर बंद हो जाएगा।